नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माई भारत न्यूज। कैटरीना कैफ ब्रिटिश भारतीय मूल की अभिनेत्री हैं और मॉडल हैं। वे बॉलीवुड फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। कैटरीना तेलुगू मलयालम फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं। उन्हें भारत के तमाम आकर्षक सेलिब्रिटी में से एक माना जाता है। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ तथा माता का नाम सुजैन है। उनकी तीन बड़ी बहनें और तीन छोटी बहनें और एक बड़ा भाई भी है। उनके परिवार की स्थिति कुछ ऐसी रही कि उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। यही कारण है कि उनकी ज्यादातर पढ़ाई ट्यूशन टीचर से घर पर ही हुई थी। कैटरीना कैफ की पहली फिल्म। कैटरीना ने अपने मॉडलिंग के दिनों में काफी नाम कमाया। ये इस समय था जब वो फ्रीलांस के तौर पर कई बड़े एजेंसियों के साथ काम करती थी। इसी दौरान ये लंदन फैशन वीक में शामिल हुई। सबसे पहले इन्हें फिल्म निर्देशक कैजात गुस्ताद ने देखा और अपनी फिल्म के लिए पसंद कर लिया। कैजात ने इन्हें अपनी फिल्म बूम में कास्ट किया, जिसपे उनकी पहली डेब्यू हुई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्लोवर जैसे अभिनेता शामिल थे। ये फिल्म वर्ष 2003 में रिलीज हुई, किंतु लोगों ने इसे खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन इस फिल्म से कैटरीना के करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद कैटरीना ने अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिसमें से नमस्ते लंदन, पार्टनर, वेलकम, रेस, अजब प्रेम की गजब कहानी, बॉलीवुड दे दनादन दन, एक था टाइगर आदि प्रमुख हैं। कैटरीना कैफ का करियर मॉडलिंग की शुरुआत। कैटरीना जब 14 साल की थी, तब वे हवाई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेकर जीती। फिर उन्हें अपने करियर का पहला असाइनमेंट ज्वेलरी का मिला। इसके बाद वो बतौर पेशेवर मॉडल के रूप में फ्रीलांस एजेंसी से जुड़ गई और लंदन फैशन वीक का हिस्सा बन गई। कैटरीना कैफ ने अपना पहला फैशन शो लंदन में किया था। इस दौरान फिल्म मेकर कैजात गुस्ताद से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने फिल्म में कास्ट करने का विचार किया। उन्होंने अपने द्वारा निर्देशित बूम फिल्म में लीड अभिनेत्री का रोल दिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्लोवर, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार थे। ये फिल्म तो असफल रही, लेकिन इस फिल्म से कैटरीना के करियर की शुरुआत हो गई। उन्होंने मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है और फिर उन्हें हिंदी फिल्मों का काम भी मिलने लगा। उन्होंने हिंदी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि फिल्मों में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वर्ष 2007 में नमस्ते लंदन, 2008 में सिंह इज किंग, 2011 में मेरे ब्रदर की दुल्हन में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। इन फिल्मों के अलावा भी उन्होंने काफी हिट फिल्में दी हैं, जैसे हम आपको दीवाना कर गए, वेलकम, अजब प्रेम की गजब कहानी है। कैटरीना कैफ के वाद विवाद। कैट ने इब्जिया में घूमने के दौरान अपने बॉयफ्रेंड रणवीर के साथ कुछ व्यक्तिगत पिक्स ली थी। ये तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई थी। वही फिल्म नमस्ते लंदन की शूट के दौरान कैटरीना नी लेंथ की एक ड्रेस पहनकर अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंची थी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। कैटरीना कैफ के अफेयर्स। बॉलीवुड के आरंभिक समय में कैटरीना कैफ और सलमान खान के बीच अफेयर शुरू हुए। हालांकि ये रिश्ता बहुत अधिक दिनों तक नहीं चला और वर्ष 2010 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर के बीच भी मोहब्बत के रिश्ते पनपे। रणबीर ने उन्हें फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के शूट के दौरान सैम्बो का निकनेम दिया, जब ये 200 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ गई थी। ये अफेयर भी खत्म हो गया। इन सबके बाद कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ राजस्थान के फॉर्ट बलवाड़ा में 9 दिसंबर 2021 को शादी के बंधन में बंध गई। ये शादी काफी रॉयल और ग्रैंड थी। आपको बता दें, कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ शादी करके सबको चौंका दिया था। फिलहाल का इतना ही। देखते रहें मई भारत न्यूज़।